मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाबलीपुरम में हैं। सुबह पीएम मोदी अकेले ही सैर पर निकले। सैर के दौरान पीएम मोदी बीच पर पड़े पत्थरों पर आराम करते भी दिखे। सुबह की सैर करने के बाद पीएम मोदी ने बीच पर पड़ा कचरा भी उठाया। मोदी ने कहा कि हम सभी लोग सुनिश्चित करें कि हम फिट और स्वस्थ रहें। पीएम मोदी ने प्लास्टिक की बोतलें और कचरा एक थैले में रखा। पीएम मोदी ने कचरे को अपनी पीठ पर भी उठाया। मोदी ने बीच पर उठाए गए कचरे को होटल स्टाफ जयराज को सौंप दिया। बांद्रा में फैंस के बीच घिरे नजर आए सलमान खान। सलमान खान ने हाल ही में आने वाली फिल्म दबंग 3 की शूटिंग पूरी कर ली है। इसके बाद हाल ही में सलमान खान रेड टी शर्ट के साथ ब्लू जीन्स में मुंबई के बांद्रा में स्पॉट हुए। सलमान खान को एक बार फिर चुलबुल पांडे के किरदार में देखने के लिए उनके फैंस भी बेताब हैं। हाल ही में सलमान खान ने पूरी स्टार कास्ट के साथ फिल्म दबंग 3 की शूटिंग खत्म होने पर पार्टी का आयोजन भी किया था। इस पार्टी में सलमान काफी मस्ती करते हुए दिखे थे। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म दबंग 3 इसी साल 20 दिसंबर को रिलीज होगी। सलमान खान इन दिनों टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 13 को भी होस्ट कर रहे हैं। फिल्म शमशेरा के सेट से लीक हुआ रणबीर कपूर का लुक। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र के बाद अब शमशेरा की भी शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म के लिए रणबीर अपने लुक पर काफी काम कर रहे हैं। रणबीर की तैयारियों को देखते हुए साफ है कि संजू के बाद एक बार फिर से शमशेरा में रणबीर कपूर फैंस को अपने लुक से इम्प्रेस करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर का लुक लीक हो गया है, जो कि अब काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। लुक देखकर पहली नजर में रणबीर किसी डकैत के जैसे दिखाई दे रहे हैं। खादी के कपड़े पहने रणबीर ने सर पर स्कार्फ बांधा हुआ है। इसके साथ ही रणबीर के चेहरे पर काली घनी दाढ़ी भी दिखाई दे रही है। सामने आई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस दौरान रणबीर कपूर गांव से कुछ लोगों से घिरे दिखाई दे रहे हैं। फिल्म मोतीचूर चकनाचूर के ट्रेलर पर लगी रोक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म मोतीचूर चकनाचूर के ट्रेलर पर स्टे लगा दिया है। ट्रेलर को 10 अक्टूबर को रिलीज होना था। फिल्म में लीड रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आथिया शेट्टी हैं। फिल्म राइटर देव मित्र बिस्वाल के मुताबिक उनके और फिल्म निर्माताओं के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें उन्हें इस काम के बदले 11 लाख रुपए का भुगतान किया जाना था। देव मित्र बिस्वाल ने अपने ड्यूज क्लियर नहीं होने के कारण कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्हें इस फिल्म के लिए 11 लाख रुपए मिलने थे, जबकि उन्हें इसके बदले सिर्फ 6 लाख रुपए दिए गए हैं। शिल्पा शेट्टी ने डिजिटल वर्ल्ड में बनाया नया रिकॉर्ड। देश के सबसे फिट एक्टर्स में से एक शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने खुद ही बताया है कि वो एक फूडी हैं। यहाँ तक कि उनका मंत्र भी है, स्वस्थ रहो मस्त रहो, और वो यूट्यूब पर अपना वेलनेस चैनल भी चलाती हैं। इस चैनल ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। शिल्पा शेट्टी पहली ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गई है जिनके यूट्यूब पर 10 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। बॉलीवुड सेलिब्स ने अमिताभ बच्चन को किया बर्थडे विश, शेयर की फोटोज। कपिल शर्मा ने भी अमिताभ संग एक फनी फोटो शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। फोटो में दोनों ने फनी फेस बनाए हुए हैं। श्वेता बच्चन ने पापा अमिताभ संग अपनी तस्वीर शेयर कर लिखा है, हैप्पी बर्थडे पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मौनी रॉय ने भी अमिताभ बच्चन के साथ अपनी तस्वीर शेयर कर उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दी। अनुष्का शर्मा ने शादी के समय की फोटो शेयर की है, जिसमें अमिताभ बच्चन उन्हें झुककर प्रणाम करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में विराट कोहली भी नजर आ रहे हैं। परिणीति चोपड़ा ने भी अमिताभ बच्चन के साथ डांस करते हुए एक फोटो शेयर की है। डायरेक्टर फराह खान ने भी अमिताभ संग क्लोजअप फोटो शेयर कर उन्हें बर्थडे की बधाइयां दी। शिल्पा शेट्टी ने बेटे वियान और अमिताभ के साथ खुद की फोटो शेयर कर उन्हें शुभकामनाएं दी, साथ ही उनकी अच्छी सेहत की कामना भी की। अनिल कपूर ने भी अमिताभ संग एक बहुत पुरानी फोटो शेयर की है। इसमें दोनों एक्टर्स हाथ में माइक लिए खड़े हैं और अमिताभ कुछ गाते नजर आ रहे हैं। सोनाली कुलकर्णी ने भी फोटो शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, मैं जब पैदा हुई थी आप तभी से इंडस्ट्री और दिलों पर राज कर रहे हैं, आप बेस्ट हैं। अमिताभ को बधाई देने बेटी संग पहुंचे ऐश्वर्या और अभिषेक। अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन अमिताभ बच्चन के जलसा निवास पर पहुंचे। इस दौरान नन्ही आराध्या भी नजर आ रही हैं। सभी ट्रेडिशनल आउटफिट में हैं। फैंस का भी भारी जनसैलाब देखने को मिला। कोई उनके गेटअप में उन्हें बर्थडे विश करने आया, तो कोई अपने चहेते स्टार को विश करने के लिए पोस्टर्स बनाकर लाया। अमिताभ बच्चन की चहेती बेटी श्वेता नंदा बच्चन भी पिता का जन्मदिन मनाने जलसा पहुंची। जया बच्चन सिंपल और ट्रेडिशनल लुक में घर के बाहर नजर आई। अमिताभ बच्चन की बात करें तो एक्टर सफेद रंग के कढ़ाईदार कुर्ते में थे, हाथ हिलाकर लोगों की बधाई स्वीकार कर रहे थे। बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए अमिताभ बच्चन।
बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आगे आए हैं। बिग बी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। उन्होंने 51 लाख रुपए की ये सहायता राशि भेजी। सहायता राशि के साथ अमिताभ बच्चन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि ये प्राकृतिक आपदा है जिसमें वो अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। पत्र में अमिताभ ने अपने हाथ से ये भी लिखा है कि उन्होंने इस योगदान का प्रचार अपने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में भी किया है। इवेंट में दिखा सोनम कपूर का बॉसी लुक। एक्ट्रेस सोनम कपूर अपने फैशन सेंस को लेकर चर्चे में रहती है। उनके ड्रेसिंग स्टाइल, फैशन स्टेटमेंट को हर कोई फॉलो करना चाहता है। अब सोनम की बॉसी लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल सोनम कपूर ने एक इवेंट में शिरकत की। इवेंट के लिए सोनम ने बॉसी लुक कैरी किया। ब्लैक कलर के टक्सीडो में सोनम बहुत खूबसूरत नजर आई। इस लुक को कंप्लीट करने के लिए सोनम ने टीम अप किया ओपन हेयर स्मोकी आई मेकअप के साथ। वर्क फ्रंट पर बता दें कि सोनम कपूर ने 2007 में फिल्म सावरिया से बॉलीवुड में एंट्री की थी। फिल्म में रणबीर कपूर उनके अपोजिट रोल में थे। बीते दिनों सोनम कपूर फिल्म द जोया फैक्टर में नजर आई थी। इस फिल्म में उनके साथ दुलकर सलमान लीड रोल में थे। रैंप पर शर्मिला टैगोर संग सोहा अली खान ने बिखेरा जलवा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान ने हाल ही में अपनी मां और पूर्व एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर संग लोटस फैशन वीक 2 में शिरकत की। दोनों एक्ट्रेसेस के रैंप वॉक की फोटोज सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। सोहा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रैंप वॉक की तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने लिखा है, माँ के साथ इतने सालों बाद रैंप वॉक करना बहुत शानदार था। यह रैंप वॉक असम की संजुक्ता दत्ता की खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट के सपोर्ट में था। उनका कलेक्शन आकाश, पर्यावरण और हैंडलूम इंडस्ट्री को ट्रिब्यूट है और यह एक सुंदर कलेक्शन है। लोटस फैशन वीक इवेंट में माँ बेटी की यह जोड़ी शो स्टॉपर रही। दोनों असम की डिजाइनर संजुक्ता दत्ता के कपड़ों में बेहद खूबसूरत नजर आईं। इवेंट में सोहा ने रॉयल ब्लू लहंगा पहना था, साथ ही स्टेटमेंट नेक पीस के साथ लुक को कंप्लीट किया था। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।